परेशान है कि मशहूर गायक मशहूर लिरिसिस्ट जो है और जिनकी जन्मशती वर्ष है कैफी आजमी साहब के लिए आज एक कार्यक्रम यहाँ रचा गया है और जिसके अंदर यहाँ बहुत ही मशहूर शख्सियत है मेरे साथ ही विराजमान है। मैं एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ लेकिन आज मैंने उनके लिए उनकी याद में उनकी जन्मशती पर कुछ गाने पेश किए हैं। मैं तो यही बोलूँगा कि वो बहुत मकबूल शायर रहे और वो आज भी अमर है और शायद उनको ता जिंदगी हम सबके बीच में उनके शायर और उनके कलाम और उनकी बातें उनकी वानगियाँ रहेगी। मैं एक मैं मध्य प्रदेश इंदौर से आया हूँ और मैं उनको और उनकी इन सभी गीत और गायन को शायर और शायरी को बहुत बहुत प्रणाम और वंदन करता हूँ। साथ ही यहाँ सभी विराजमान जो शख्सियत है उनको भी बहुत बहुत प्रणाम और वंदन और हम सब जो उनके गीतों को हमेशा गाते हैं गुनगुनाते हैं। थैंक यू। या मैं इतना ही कहना चाहूँगा कैफी आदमी साहब के साथ के लिए कि मैं बहुत ही भाग्यशाली आदमी हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। यानी मेरी पहली फिल्म थी उनकी, वो लास्ट फिल्म थी, फिल्म का नाम था जानाना दिल से तू और उस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे विजय आनंद जी देवानंद साहब और काफ़ी स्टार कास्ट थी उसमें। उसका एक गाना है, उसका मुखड़ा मैं सुना देता हूँ आपको कि उसी से मेरी मतलब उनके जन्मदिन की शुभकामनाएँ आ जाएगी। तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया था कदम कदम पर इम्तिहान हर इम्तिहान से गुजर गया। तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया था कदम कदम पर इम्तिहान हर इम्तिहान से गुजर गया। तो कैफी आदमी साहब एक ऐसे जिंदा दिल शायर थे कि वो हमेशा सच्चाई लिखते थे और ऐसा लगता था कि वो इंसान की सही जिंदगी लिखते थे। जो भी मौजू में उन्होंने लिखा है जिस भी सिचुएशन पे आज तक अमर है, आगे भी अमर रहेंगे और हमारी तरफ से अल्लाह ताला से यही है कि वो जहाँ भी हो जन्नती हो। नमस्कार। कैफी आजमी तो हमारे सरपरस्त रहे हैं 1969 से। जब उनका पहला प्ले आखिरी शमा हुआ तो उसमें मुझे रोल करने का भी मौका दिया गया और म्यूजिक देने का भी मौका। मैंने मुझे कुछ थोड़ी सी जो तमीज़ है संगीत की या शेर शायरी की वो कैफी साहब की कुर्बत से हासिल हुई है। कैफी साहब सिर्फ शायर ही नहीं थे, वो एक्टिविस्ट थे, सोशल वर्कर थे। मैं तो आखिर में सिर्फ कॉमरेड कैफी साहब को लाल सलाम। मैं अपने आप को कैफी आजमी साहब के परिवार का हिस्सा समझता हूँ। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत उनकी शायरी ने बहुत बहुत इंस्पायर किया है। एक प्रोग्राम है जो हम कैफी साहब पर करते हैं, कैफी और मैं, जो मेरी खुशकिस्मती है कि जिसमें मैं शबाना आजमी जी और जावेद अख्तर साहब के साथ परफॉर्म करता हूँ। इसके 200 शो हमने ऑल ओवर वर्ल्ड किए हैं और इस साल हम कैफी साहब के 100 साल मना रहे हैं। जो हम चाहते हैं कि इस साल हम कैफी और मैं के 100 शो करेंगे। ऑलरेडी हमने 10-12 शो कर लिए हैं और हम 100 शो पूरे करेंगे। कैफी साहब के दो मिसरे मैं कहना चाहूँगा कि प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, हम किसी दिल में सही हम को मिटाना होगा। मैं बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि कैफी साहब की याद में आने प्रोग्राम बनाया गया है, मैं इसका हिस्सा बना हूँ। कैफी साहब की पढ़ने का मौका मिला है, लगता है हमारी पूरी दुनिया के सबसे बड़े शायर हुए हैं कैफी साहब, बिला शक उनमें से एक हैं और उन्होंने शायरी वास्ते जिंदा कर। मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद। मैं आपसे बहुत खुश हूँ और उनकी नगमे हम सुनते आए हैं और उनकी शेर व शायरी के सभी बहुत बड़े फ़ैन हैं। मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और उनका जो गाना है ज़रा होती है तो दिल सोचता है
ये बहुत प्यारा नगमा है और सभी जितने भी उन्होंने गीत लिखे हैं, शायरियाँ लिखी हैं, बहुत प्यारे हैं। आगे की जनरेशन जो आगे की आने वाली जनरेशन है, जो आगे की जनरेशन है और जो गुजर गई जनरेशन है, वो बहुत भाई है और आगे भी भाती रहेगी। देवर जी आपको मैं आपको